हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो CISF फायरमैन के एग्ज़ाम की आप लोग को डिटेल देने चाहता हूँ मैं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब हो जाएगा फाइनल जो फायरमैन वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे अभी एग्ज़ाम्स पहले हुए हैं। तो फायरमैन वाला एग्ज़ाम कब तक होगा? क्योंकि अभी 2019 वाला SCM का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिवाइज आंसर शीट आ चुका है। तो अभी आप लोग का जो डाउट बना हुआ है कि अभी उसका रिज़ल्ट कब आएगा, लेकिन मैं उससे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ जो फायरमैन का एग्ज़ाम है वो आप लोग का कब कराया जाएगा। तो आप लोग का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो फायरमैन का ही एग्ज़ाम होगा, देन 2022 वाला जो SCM है उसके बाद वो एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को फायरमैन का जो है एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो कब तक ये नोटिस आएगा, ठीक है, फायरमैन का जो नोटिस है कब तक आ जाएगा, मैं उसकी डिटेल आप लोग को बता दूंगा। लेकिन अभी जो है इसका ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है, तो जल्दी इसका ऑफिशियली नोटिस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में जारी हो सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। हो सकता है आप लोग को 15 दिन पहले ही इसका नोटिस मिले और आप लोग का जो है एग्ज़ाम डेट दी जाए और एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, क्योंकि 2019 वाला कई सारी डेट निकली थी तो उससे पहले जो है काफ़ी ये नोटिस वायरल हो चुके थे। तो इस वजह से इस बार वो नोटिस तो वायरल नहीं हो रहे हैं फायरमैन वाले। लेकिन आप लोग को जैसा कि 2019 SCM वाले में क्या हुआ था कि आप लोग को 15 दिन पहले ही आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिला था, नोटिस जारी की गई थी, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था, वैसा ही फायरमैन के में हो सकता है कि आप लोग का वैसे ही 15 दिन पहले आप लोग को नोटिस और एडमिट कार्ड जारी करके आप लोग को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए और आप लोग का एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा जो है टाइम नहीं मिलेगा, जब भी नोटिस जारी किया जाएगा आप लोग को सिर्फ 2 हफ्ते का समय मिलेगा एग्ज़ाम होने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ तैयारी करते रहें, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम फायरमैन का ही होगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज जो है साइट पे भी आप फायरमैन का ही सबसे ऊपर लिस्ट में नाम आ रहा है। तो आप लोग का जो है फायरमैन के एग्ज़ाम कराने की पूरी पूरी प्रक्रिया चालू होगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, स्कोर आप लोग अच्छा करते रहें, क्योंकि आप लोग जो कमियाँ हैं वो अभी पूरी कर लें। 1 महीना जो आप लोग का बचा हुआ है तो उसमें आप लोग अपना जो है सुधार कर लें, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, और क्योंकि जो है एक ही बार उसमें एग्ज़ाम होगा और आप लोग का कट ऑफ जारी करके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम की आप लोग को जैसे भी नोटिस आती है मैं आप लोग को उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को फुल डिटेल मिल जाए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।